देश की राजधानी दिल्ली इंडिया गेट से पहचानी जाती है और इंडिया गेट की पहचान यहाँ शहीदों की याद में जल रही अमर जवान ज्योति से है। लेकिन आज के बाद ये लॉ यहाँ नहीं बल्कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जलेगी। आज इस लॉ का विलय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस से पहले अमर जवान ज्योति को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में 50 साल से इंडिया गेट की पहचान बन चुकी अमर जवान ज्योति को गणतंत्र दिवस से पहले यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। अभी ज्योति इंडिया गेट की जगह नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित होगी। शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे इसकी लॉ को वॉर मेमोरियल की ज्योति में ही मिला दिया जाएगा। इंडियन आर्मी के एक अफसर के मुताबिक अमर जवान ज्योति की मशाल को शुक्रवार दोपहर नेशनल वॉर मेमोरियल लाया जाएगा। वहां एक समारोह में दोनों लॉ को आपस में मिला दिया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता एयर मार्शल बालभद्र राधाकृष्णन करेंगे। अमर जवान ज्योति को पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में शहीद होने वाले 3,843 भारतीय जवानों की याद में बनाया गया था। इसे पहली बार 1972 में प्रज्वलित किया गया था। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण केंद्र सरकार ने 2019 में किया था। इसे 1947 में देश की आजादी के बाद से अब तक शहादत दे चुके 26,466 भारतीय जवानों के सम्मान में निर्मित किया गया था। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्मारक का उद्घाटन किया था। सरकार की तरफ से अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से हटाकर नेशनल वॉर मेमोरियल लेकर जाने के फैसले पर अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आए हैं। बहुत सारे पूर्व सैनिकों ने इसे अपनी भावनाओं से जुड़ा हुआ बताते हुए नहीं हटाए जाने की भी अपील की है। दिसंबर 2021 में भारत पाकिस्तान के 1971 युद्ध के 50 साल पूरे हुए हैं। हालांकि इसे वॉर मेमोरियल लेकर जाने के समर्थकों का कहना है कि वहां पहले से सैनिकों की याद में एक ज्योति मौजूद है। वो जगह शहीदों को सम्मान देने के लिए ही बनी है। पूर्व नेवी चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश ने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में कहा कि अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट पर अस्थायी रूप से स्थापित किया गया था। अब हमारे पास अपना एक वॉर मेमोरियल है तो इसे वहीं ले जाना बेहतर होगा। बता दें कि 42 मीटर ऊंचे इंडिया गेट का निर्माण ब्रिटिश सरकार ने किया था। ब्रिटिश सरकार ने 1914 से 1921 के बीच पहले विश्व युद्ध और तीसरे अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से शहीद होने वाले 84,000 भारतीय सैनिकों की याद में इसे बनाया था। इस पर उन सैनिकों के नाम भी खुदे हुए हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि आज के इवेंट को लेकर काफी गलतफहमियां हैं। अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं जा रहा है, इसका नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रज्वलित ज्योति के साथ विलय किया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि ये काफी अजीब बात थी कि अमर जवान ज्योति पर जलने वाली ज्योत 1971 और अन्य युद्धों में शहीद होने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देती थी, लेकिन उनमें से किसी का नाम यहाँ नहीं लिखा था। इंडिया गेट पर जो नाम लिखे हैं वो उन सैनिकों के हैं जो वर्ल्ड वॉर 1 और एंग्लो अफगान वॉर में शहीद हुए। ये हमारे गुलामी वाले समय की याद दिलाते हैं। 1971 के युद्ध समेत बाकी सभी युद्धों में शहीद होने वाले सैनिकों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में दर्ज हैं, इसलिए वहाँ ज्योति जलाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।